हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल की यूज़फुल ट्रिक्स। इसको मैं यहां पे एक हेडर दे देता हूं। तो अब जैसे आपको कोई भी हेडिंग बनानी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पहली ट्रिक सब समझ लीजिए, यही ट्रिक है। आप मर्ज कर सकते हैं इसे। यहां पे जाके आपको मेरे को थिक बॉर्डर दे देता हूँ। मैं इसको थिक बॉर्डर दे दिया। देखिए थिक बॉर्डर मतलब ये हो गया। तो इसको देने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर एवरीवन। इतना बहुत है यार, पूरी रामायण लिखना अच्छा नहीं होता ना। तो इतना करने के बाद मेरे को इसका अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे में, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल स्टाइल्स में। जाने के बाद मैं हेडिंग वन कर देता हूँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ से, एक तो हम यहाँ से फॉन्ट बढ़ाते हैं, ए डाउ, ये हल्का सा नीचे की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो बड़े वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। मिडिल में लेके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। चलो, एक ट्रिक तो यही होगी। दूसरी ट्रिक्स आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप इसका नाम चेंज करना है, राइट क्लिक कीजिए, रिनेम कर दीजिए, ट्रिक ही नाम दे देते हैं इसको, ट्रिक हो गया। अगर आपको इस तरीके से आपको लिखना नहीं है, आपको शॉर्टकट ही यूज़ करना है, भाई मुझे तो शॉर्टकट ही यूज़ करना है, मुझे नहीं करना है मैनुअल यूज़, तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस ओ प्लस एच प्लस आर। आपको दबाना होगा, ऑल्ट दबाइए, फिर छोड़ दीजिए उसे, फिर ओ दबाइए, फिर एच दबाइए, फिर आर दबाइए। देखिए वहाँ सेलेक्ट हो गया। अब उसका नाम मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, मैंने टिप्स कर दिया, एंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। तो इस तरीके से नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इसका कलर चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके टैप कलर में जाके इसको कोई सा भी इनमें से कलर दे दीजिए। रेड कलर विजिबल ही नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं देता हूँ वैसे कोई भी कलर नहीं दिख रहा। इस तरीके से आप और किसी शीट का नाम चेंज करना है तो आप मतलब उसका कलर चेंज करना है तो मीनिंगफुल सा कलर चेंज कीजिए। ऐसे मत कीजिए अब लाल पीला हरा नीला कर दिया, सजाने के लिए मत कीजिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। और इसमें आपको एक दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें मैं आपको, जैसे कि आपको बॉर्डर लगाना है, ठीक है। ये मैं जैसे आपको एक डमी डेटा बताना है, मेरे प्रीवियस वीडियो में है वैसे, रैंड बिटवीन होता है, मतलब यहाँ से लेके ये क्लोज स्टार्ट, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर शिफ्ट दबा के जहाँ तक आपको डेटा को लेके आना है, फिर यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, राइट में चले जाए, कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका इस तरीके से डेटा आ जाएगा। फिर इसे वैल्यूज़ में करना है आपको, तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फार्मूला हटाना है ना यहाँ पे। पेस्ट में जाएगा, पेस्ट स्पेशल में जाएगा, पेस्ट पे वैल्यूज़ में कर दीजिएगा। ओके करने का देखिए फार्मूला हट गया। तो आपको डमी डेटा बनाना है, आपको हमेशा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और फिर 1 2 3 4 5 6 7 लिखना पड़ता है। इसी तरीके से सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे जैन लिखिए, जैन के बाद इसे राइट क्लिक कर दीजिए, देखो जैन फैब जैन और जनवरी लिखिएगा, यहाँ पे लिखा जनवरी तो लिख दिया ना मैंने, संडे लिख देते हैं, सन लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ पे रहे लेकिन कोई देख ना पाए इसे, चलो इसको तो छोड़ो, इसको देखते हैं। अगर सपोज़ इसको मैं हटा देता हूँ, ग्राफ डेटा को आपने ग्राफ बना दिया, इसको इतना सिलेक्ट कर दीजिए, इंसर्ट में जाने के बाद ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ मैं, ये आपने ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ बन गया, ठीक है आपका। आप चाहते हैं कि ये वाला डेटा बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है मतलब, आप चाहते हैं तो हाइड कर दो। आपको हाइड करना है तो इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मेट सेल आएगा, फॉर्मेट सेल पर क्लिक कर दीजिए। ये हमेशा थोड़ा लेट लगाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, वैसे मेरे साथ नहीं आ रही, किसी के साथ ही प्रॉब्लम होती है। इसके बाद कस्टम में चले जाइएगा, इसके बाद ये इसका नाम पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, ये होता है इसको कॉलन बोलते हैं मेरे ख्याल से,
तीन बार कॉलन को लगा दीजिए। देखिए आप अभी दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जाए ना आपको, यहाँ पे आपको इसका एक सैंपल पता चल जाएगा। एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, गायब हो गया। देखिए डेटा है, हमने कलर भी नहीं किया, ऐसे वाइट भी नहीं किया हमने, यहाँ पे जैसे कर रहे हैं ना, डेटा है भी लेकिन पता भी नहीं है डेटा। तो इस तरीके से आप एक सिंगल सीट में डेटा का मतलब डेटा रहना रहेगा आपका, लेकिन किसी को दिखेगा नहीं। इसको इसके ऊपर ही रख लीजिए, अगर नहीं भी रखते तो यहाँ पे, अगर आपको पता लगाना है कहाँ पे डेटा है आपका, सिंपली डाट अपने आप चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो डेटा को बता देगा कहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि मेरे हैं ये वाले संडे मंडे, मुझे एक ही सेल में लेके आना है, इसे बेसिकली डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो मुझे सारे एक ही शीट में, एक ही मतलब एक सेल में लेके आना है। मैं से कॉपी करके ना, कट करके ना यहाँ पे रख देता हूँ इसे, आपकी और दूर जगह पे रख दीजिए, यहाँ पे दिखे ना, यहाँ तो उसे हाइड कर दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पे रख दिया मैंने इसे, इस वाले को मेरे को ये सारे के सारे वैल्यूज़ इस सेल में लेके आने हैं थ्रू डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो इस वाली सेल को सिलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। फिर इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट में जाइएगा, फिर लिस्ट में जाने के बाद ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको बोलेगा कि कहाँ का डेटा तुम्हें सही सिलेक्ट करना है, तो मैं ये वाला डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, फिर इसी पे क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अगर आप डेटा को हाइड करना चाहते हैं, इस पूरी रो को सिलेक्ट कर दीजिए और इसको कर दीजिए हाइड, पता भी नहीं चल रहा है। अगर आपको पता करना है कि ये कहाँ से ले रखा है आपने डेटा, कहाँ से लेना है, कई बार कई लोगों ने लगाया हुआ होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से लेना है। सब उसकी रेंज बढ़ानी है, उसमें एक दो वैल्यूज़ और ऐड करनी है, तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना होगा, डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो यही वाला मैंने खुल जाएगा। तो इसमें सोर्स के बारे में बता रहे हैं, T2 से लेकर T14 तक, तो मुझे T ढूंढना है यहाँ पर, RST T2 गायब है, तो मुझे क्या करना है, S और U को, जो भी मेरी मतलब कॉलम रो जो भी हेड है उसके दो कॉलम को उसके आगे पीछे मतलब उसे बिटवीन मतलब बीच में लेके आना है। फिर उसको लेने के बाद मुझे राइट क्लिक करना है, उसे अनहेड करना है। सपोज़ मुझे यहाँ पे ऐड करना है हेलो, ठीक है, हेलो नहीं, हेलो करना है मुझे, हेलो करना है, वो भी इस वाले उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस वाले सेल में क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद T14 तक है ना, ये T15 होगा वैसे, तो या तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक है ना, तो मैं इसे 15 कर देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। देखिए हेलो भी आ जाएगा आपका इसमें, देखिए हेलो भी आ गया। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे अगर किसी रो का रेफरेंस दे के बना रखा है तो आप वहाँ पर जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसे मैन्युअली बनाना है, आपको कहीं पे नहीं लिखना है, तो आप सिंपली Alt DL उसका होता है, Alt प्लस मत दबा दीजिएगा, Alt प्लस का मतलब एक जोड़ने के लिए बना है, Alt DL, Alt प्लस D प्लस L, कई लोग प्लस प्लस भी दबा, Alt के प्लस और फिर D और फिर उसका मतलब Alt और DL प्रेस करना है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ना इसमें पता नहीं चलेगा, इसका मैं कर देता हूँ ये वाला कलर कर देता हूँ, और सेल को सिलेक्ट करके ऑल्ट और फिर डी फिर एल प्रेस कर दीजिएगा। ऑल्ट को छोड़ देना एक बार प्रेस करके, कई लोगों को मैं बताता हूँ तो ऑल्ट ही प्रेस करके रखते हैं घंटे तक। ऑल्ट दबाइएगा ऊपर ही आपके आने लगे, फिर डी दबाइएगा, सॉरी ऑल्ट फिर डी देन एल, देखिए ये आपका ये वाला मेन्यू खुल जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट पर जाइएगा, लिस्ट पर क्लिक करने के बाद मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो को हेली क्यों लिखता हूँ यार, हेलो सर, ABC ओके कर देंगे, फिर से कुछ भी लिख दीजिए। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ना, फिर ये मतलब मैंने सोर्स के थ्रू लिया है, मैंने अपना मैन्युअली किया है। चेंज करना है तो Alt DL फिर से प्रेस कर दीजिए यहाँ पे, Alt DL प्रेस करने का, इसको हटाना है तो आप दो डिलीट कर दीजिएगा। आप
कोई और टेक्स्ट इसमें पेस्ट करेंगे तो डेटा वैलिडेशन, वैलिड है ये डेटा, मतलब वैलिड नहीं है डेटा, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इन टू दिस सेल, मतलब मेरे इस सेल के अंदर सिर्फ यही वैल्यू आएंगी क्योंकि मैंने वैलिडेट करा हुआ है इस सेल को, यही इन वैल्यूज इसमें आ सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स होगी यार। अब हाइड का तो मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से हाइड एंड हाइड करते हैं, नहीं समझ में आया तो बताता हूँ आपको किस तरह से हाइड एंड हाइड करते हैं। कहाँ पे जाए यार, चलो ये डेटा है मेरे पास, सपोज मेरे पास डेटा आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सम आया हुआ है, ऑल्ट और ये प्लस दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले ले, चलो सम ले लेते हैं यहाँ पर, सम तो क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, सपोज ये वाली सेल होगी हाइड। मैं बार बार इन दोनों सेल को चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार इसका तो 176 आ रहा है, इसका तो 271 है, वैसे इसके थ्रू ही मुझे B2D2, लोग सोचेंगे सारा बी और डी टू का डेटा ही है इसमें, सी तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि जो नए नए यूज़र होते हैं उनको ऐसी कन्फ्यूज़न रहता है, पूरे दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, सिंपल फंडा होता है इसका, ABCD, सी मिसिंग है इसका मतलब सी हाइड है, बी और डी को सिलेक्ट कीजिए सिंपली, अनहाइड कर दीजिए, इसी तरीके से मेरा यहाँ पे डेटा है, ये वाला मेरा हाइड है, राइट क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा आपको, ये वाली रोज इनको गिनिए आप हमेशा, इनको देखिए और इसको देखिए, इससे पता चल जाएगा कौन सी रो हाइड है कौन सी अनहाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद का एक गायब है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब इसमें कुछ हाइड है। 7 को सिलेक्ट कीजिए, 17 को सिलेक्ट कीजिए, पूरा भी इतना भी सिलेक्ट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेल बीच में आनी चाहिए, राइट क्लिक करेंगे अनहाइड कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं इसको कर देता हूँ, इसको कर देता, कलर ले देते हैं इसका, ये कलर कर देता है, ठीक है, राइट, इन दोनों को सिलेक्ट, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 15, मतलब टाइट हाइड है हमारा, तो इसको हमको सिलेक्ट करने के लिए इस पूरी रोज, ये होती, देखिए ये होती है हमारी रोज़ होती है, ये होते हमारे कॉलम। ठीक है, तो मैं वो हमारा मतलब इस जो हमने डेटा सेलेक्ट करा है उसके बीच में होना चाहिए, राइट क्लिक करके मैं ऐड कर दीजिए, आ गया, इस तरीके से मैं इसको कर देता हूँ, ऐसा कलर में कर देता हूँ, रेड कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं हाइड कर देता हूँ, और अनहाइड करने के लिए मुझे इसको बीच, बी सी हाइड है, ए बी सी मतलब सी हाइड है हमारा, इन दोनों को सिलेक्ट कर राइट क्लिक करके अनहाइड करना है, सिंपल फंडा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस वाली पूरी शीट को भी हाइड कर सकता हूँ। शीट को कैसे ऐड करेंगे, टैब पे क्लिक कीजिए, टैब पे, इस टैब पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने का ऐसा हाइड कर दीजिए, हो गया हाइड। अब इस सेल को आपको उसी वाले वर्कशीट को आपको अनहाइड करना है, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कीजिए, शीट 5 अनहाइड, तो मतलब हाइड अनहाइड का फंडा तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, 1 2 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, लिखता हूँ 4 5 6 7 8। अगर आपको इसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें देख, जैसे जनरल में देखना ये आ गया, नंबर में ये आ गया, करेंसी में ये आ गया, ये डॉलर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, शॉर्ट डेट में ये आ गया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्रॉप डाउन कीजिए और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आप जनरली रखिए तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताता हूँ मैं आपको इसमें बॉर्डर लगाने का, बॉर्डर इसके कलर आपको हटाने हैं, पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कलर हमने यहीं से लगाए थे तो हटेंगे भी यहाँ से, हटेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं से हटेंगे, वैसे यहाँ से भी हट सकते हैं, इसके लिए क्लियर पे जाएंगे हम, क्लियर ऑल कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करके वापस लेके आता हूँ, यहाँ से भी हो जाएगा, नो फिल पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, एक यहाँ से नो फिल करेंगे तो भी हट जाएगा, पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपने सिलेक्ट यहाँ करा हुआ है यहाँ पर आप नो फिल कर रहे हैं, जो आपको हटाना है जहाँ की फॉर्मेटिंग वो डेटा सिलेक्ट होना चाहिए, सिंपल
यहाँ पे क्लिक करके नो फिल पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। कंट्रोल जेड करके फिर से वापस लेके आता हूँ होम मेन्यू में। ये आपका इंसर्ट में यहाँ ढूंढ रहे मिलेगा ही नहीं आपको, सिंपल होम मेन्यू में आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है कलर, कलरिंग होती है जो भी हमारी फॉर्मेटिंग में आती हो, क्लियर फॉर्मेट ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, क्या था यार, मैंने सोचा तो था वो जिस तरह से जैसे हमारे पास ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, आपने मतलब इंटरनेट से डेटा डाउनलोड किया, कहीं से भी डेटा पेस्ट किया, तो आपको बाद में पता चला कि जो आपकी जो ब्लैंक है यहाँ पे जो डेटा है वो मतलब बेसिकली वो रो ही मतलब नहीं लेनी है आपको, वो रो ही आपको डिलीट करनी है ठीक है। होता है ना कई बार कि आपने डेटा पेस्ट किया तो कहीं पे ब्लैंक ब्लैंक आ गए, तो आपको कहाँ गए, तो आपको ये पूरी की पूरी रोज ही डिलीट करनी है। सिंपल इसके सिलेक्शन पे कैसे करोगे, सिंपल फंडा है इसका, पूरी बी रो को सिलेक्ट कर दीजिए। बी रो को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फाइंड एंड सिलेक्ट पे, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाने के बाद गो टू स्पेशल पे जाओगे आप, ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लोगे। देखिए ब्लैंक सिलेक्ट हो गई ना हमारी की सारी, यहाँ तो मुझे लग रहा है मैंने ब्लैंक किया नहीं था वैसे, इस तरीके से ब्लैंक सिलेक्ट हो गए हमारे, सिलेक्ट हो गए। कहीं और क्लिक मत कर देना क्योंकि ये सिलेक्टेड दिखाई देना चाहिए, अगर आप इसको कलर भी कर सकते फिर यहाँ पे कलर करना है तो आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं इसको, तो या तो आप इनको कलर करके फिर एक एक करके डिलीट कर, कलर कर दिया ना मैंने, फिर इसको हटा दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए, फिल्टर लगाने के बाद शॉर्ट बाय कलर कर दीजिए, आ गया ऊपर आपका कलर पूरा, उसके बाद ये रोज़ को डिलीट कर दीजिए, ये रोज़ को राइट क्लिक डिलीट, फिल्टर को हटा दीजिए, शॉर्टिंग है मतलब फिल्टर नहीं है ये हमारा, तो नीचे का डेटा ये तो ब्लैंक दिखा रहा है ना। सो दूसरे ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे ये ब्लैंक है हमारा, ये भी ब्लैंक है, मतलब इसके दो डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ, ये आप डिपेंड करते हैं आप कैसे करते हैं इसे यूज़, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा पता होता है इस चीज़ के बारे में कि आपको किस तरह के, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, आप उसको फिर यूज़ कर लीजिए। जैसे डॉक्टर के पास कोई जाता है, कोई जाता है उसके पास लेके, जैसे बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सबको पैरासीटामोल तो नहीं दे देता, या तो कोई एक दवाई तो नहीं देते ना, किसी को ग्लूकोज चढ़ाता है, किसी को ऑपरेशन कर देता है, किसी को न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देता है, किसी को ऑर्थोपेडिक्स के पास भेज देता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम फंडा है, चीज़ें बहुत सारी है यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको डिपेंड करता है आपको कैसे यूज़ करना है इसे ठीक है। सिलेक्ट किया हमने, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाना है, गो टू स्पेशल में जाना है, ब्लैंक को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, फिर ये सिलेक्ट हो गया हमारा, फिर यहाँ पे डिलीट में क्लिक करना है, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट रोज क्लिक करेंगे, देखिए हट गया। अब यहाँ पे फिल्टर लगाइए, ब्लैंक नहीं दिखेगा आपको ठीक है। अब इसको आपको बताता हूँ, इसका इसको फिल्टर हटा देता हूँ, एक और डिलीट कर देते हैं इसे, शॉर्टकट बताता हूँ इसको कैसे करना है। सेलेक्ट कीजिए, F4 प्रेस कर दीजिए, F5 को प्रेस कर दीजिए, बी को सिलेक्ट करके F5 प्रेस कर दीजिए, और स्पेशल पर क्लिक करके फिर ब्लैंक पर सिलेक्ट कर दीजिए। एक तो हम यहाँ जाके कर रहे थे ना, पूरी को पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके F5 प्रेस करके, स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए, इसके बाद जाने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे होम मेन्यू के इस डिलीट वाले फंक्शन में, डिलीट शीट रोज, देखिए हट गए हमारे वो। यहाँ पे उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे गए, ब्लैंक दिख रहे हैं ना आपको,
ब्लैंक को टिक करेंगे तो ये दिखेगा आपको, ये फिल्टर से हटा देते हैं इसे। सिलेक्ट करना है रो को, F5 को प्रेस करना है, इसके बाद स्पेशल में जाना है, ब्लैंक रोस पे क्लिक करना है, ओके करना है। होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर डिलीट में डिलीट शीट रोस, आपकी हटगिश पूरी की पूरी ब्लैंक जो पर्टिकुलर सेल थी, ठीक है। और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। और आप उसमें जैसे एक और बताओ, बॉर्डर लगाना है आपको, बॉर्डर लगाने के पूरे का पूरे रेंज को सिलेक्ट कीजिएगा। ये बॉर्डर के अलग अलग फॉर्मेट है, बॉर्डर टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, बेसिकली ऑल बॉर्डर यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना, ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। अब इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपको बॉर्डर लगाने ना कहीं पे भी, पूरे जितने भी डेटा को उसे ऑल्ट एच बी ए दबा दीजिए, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है, ऑल्ट प्लस एच बी ए, ठीक है, समझ जाइएगा आप इसे, ऑल्ट एच बी ए, पहले ऑल्ट फिर एच बी देने, ठीक है। हटाने के लिए होता है आपको टू अप्लाई ऑल बॉर्डर, हटाने के लिए होता है ऑल्ट एच पी एन नो, मतलब टू रिमूव बॉर्डर। अब देखिए ऑल्ट एच पी एन प्रेस करते, डेटा सेलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट फिर एच देन बी फिर एन, हट गए सारे बॉर्डर, ऑल्ट एच पी ए, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। बाकी तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो मिल जाएगा ऑल्ट एच बी एन, ऑल्ट एच बी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑल्ट एच बी ए मतलब ऑल बॉर्डर और रिमूव ही करते हैं, और ज़्यादा हम और भी यूज़ करते हैं लेकिन हम सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो आप एक बार ये शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, और या तो यहाँ से भी आप, अगर आप पहले मैनुअली सीखिएगा उसके मैनुअली के बाद ये होम में होता है ये वाला, होम है उस तरह से नो बॉर्डर करना है, हम ऑल्ट एच बी एन से कर रहे थे, लगाना है ऑल बॉर्डर तो ऑल्ट ये लगा दिया, अगर हमें शॉर्टकट के थे ऑल्ट एच पी एन दबा दिया, और लगाना है ऑल्ट एच पी ए कर दिया, सिंपल। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स बता दिया मैंने आपको इसमें, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आप इस तरीके से आप इसमें छोटे छोटे मतलब ट्रिक्स को याद कर लीजिए, शॉर्टकट्स को याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, तो आप जब भी एक्सेल में काम करेंगे तो आपकी काफ़ी लाइफ काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगी, आप काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे, और आप और चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएंगे, मतलब और आप कुछ और स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, एक्सेल में वीबीए बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसमें मतलब वीबीए का भी काफ़ी मतलब, अगर आप वीबीए को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें मैंने छोटे छोटे कोड्स बता रखे हैं जो बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताइए, और आपको किसी भी एरिया में किसी भी इसमें प्रॉब्लम है मतलब किसी भी एक्सेल में वीबीए में, तो आप कमेंट में डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, और हो सकता है इनमें से काफ़ी आपको आती हो, लेकिन जो जिनको नहीं आती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो स्टार्टिंग फेज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और मेरे नए ट्यूटोरियल का वेट कीजिए, और एक्सेल सीखिए, बाय बाय।